किया था कि ना वो एक्सेप्ट है फेसबुक पे, ना उनकी कोई इमेज थी फेसबुक पे, कोई पिक्चर कुछ भी नहीं, तो मैं उन अननोन लोगों को नहीं जानता इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्चर्स अपलोड करके मुझे दोबारा ऐड किया। तो बी रियल तो आप सक्सेसफुल हो गए। बेली सिटी की स्टोरी अगर मैंने इसको सुनानी शुरू की तो आई होप कि 4 बज जाएंगे। तो facebook.com/bailey.abed उस पर आप स्टडी कर लीजिएगा। प्रॉब्लम्स बहुत आए लेकिन हर दफा मैंने गिव अप सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ था तो हम लोग पैदा होते तो हमारे कपड़े नहीं होते हमारे जिस्म पे, ठीक है, हमें कोई पहनाता है, और जब हम इंतकाल कर जाते हैं तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई कपड़े पहना के धुला नहला के और फिर वो कब्र में हमें दफनाते हैं। तो आप जब पैदा हुए तो कुछ भी लेके नहीं आए हो, और आप जब मर रहे हो तब भी आपने कुछ नहीं लेके जाना। तो ये जो लाइफ है वो आपके पास आई है कि आपने स्ट्रगल करना है, आपने कुछ बनना है और बन के कुछ दिखाना है। तो गिव अप करके क्या उसका कोई रीजन नहीं बनता कि मैं गिव अप क्यों करूं, जब मेरे पास कुछ था नहीं और मेरे पास कुछ आया फिर वो चला गया, इट्स मीन कि अब मुझे दोबारा कुछ और मिलना है तो मैं उसकी तरफ स्ट्रगल करूं। और मेरे जो पास था वो इसलिए चला गया क्योंकि अगर वो मेरे पास अगर बेली सिटी इस वक्त होती तो मैं शायद जो आए हूं पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो नेशनल एंथम का किया, या अभी जो हमने 24/7 ऑनलाइन टीवी जो लॉन्च किया है, या पाकिस्तानी profiles.com जो एक वेबसाइट हमने लॉन्च की है, वो शायद मैं ना करता और मैं उस मकाम पे इस वक्त ना होता जो मैं बेली सिटी में होते हुए था, क्योंकि मुझे सिर्फ आईटी की फील्ड के लोगों ने ही अप्रोच करना था। और दूसरी बात बताऊं कि बेली सिटी 11 साल चलाई, मैं किसी भी इवेंट में एज अ पैनलिस्ट नहीं गया, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, लेकिन जब से मैंने बेली सिटी बेची है मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते कहीं ना कहीं होता हूँ, लोगों को बता रहा होता हूँ। तो इट्स बीन कि मुझे कुछ और देना था अल्लाह ताला ने और मुझे कुछ और मिलना है आगे, इस वजह से वो गई। अब मैं आपको एक और न्यूज़ भी दूँ जो मैंने महवेश को दी थी कि जिनको मैंने बेली सिटी बेची है वो खुद दोबारा अप्रोच कर रहे हैं मुझे कि आप आओ और इसको रन करो या आप हमसे ले लो। तो मैंने उनको एज अ मेमन मैंने उनको कहा मुझे ठेके पे दे दो, मैं खुद चला दूंगा। तो ये लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट आते रहते हैं। अभी एक और चीज ध्यान में गई थी कि 4 करोड़ आपने 10 साल में बनाना है, तो 4 करोड़ का फिगर बहुत बड़ा लगता है। तो उसको एक काम करो कि 10 साल के जितने भी महीने हैं, जितने भी दिन हैं, उस पर डिवाइड कर दो तो बहुत छोटा फिगर हो जाएगा। तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो मैं कमा सकता हूँ डेली बेसिस पर। तो वो अमाउंट कमाने के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हो। जैसे 24/7 ऑनलाइन पे अभी हमने एक लॉन्च किया है कि जिस किसी को भी फ्रीलांस अगर एडवर्टाइजमेंट्स हमें वो ला के दे हमारे वीडियो शोज के लिए, तो उसके लिए हम 1% ऑफर कर रहे हैं। स्पीक फॉर चेंज हमारी एक वेबसाइट है जिसपे हम ऑडियो वीडियो ब्लॉगिंग के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप अपनी वीडियो ब्लॉगिंग शुरू करो। इवन सिटीजन जर्नलिस्ट आप बन सकते हो कि कोई भी आपने वाकया देखा है अपने मोबाइल से आप उसको रिकॉर्ड करो और हमें भेज दो। और आर्टिकल लिखने के लिए भी हम उसको इंसेंटिव दे रहे हैं। दूसरा पे ध्यान भाई जो एक प्रोजेक्ट शुरू जिन्होंने किया हुआ है $100 से बिजनेस शुरू करने का, उसमें आप मोहसिन से और रेहान भाई से और इवन उससे भी आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन करने वाला पहले आपको बनना पड़ेगा कि मैंने ये करना है। थैंक यू। तो ये पता आप लोगों को, आई डोंट नो कितने लोगों को पता था कि बेली सिटी बनाने वाले ने बेली सिटी बेच दी, कितने लोगों को पता था? नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था, थोड़े दिन पहले ही पता चला। जब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट तब मुझे पता चला। और मैंने एक चीज ये भी, अगर आप इवन आप लोग जाके देखें नेट पे, आपको बहुत सारे बेली सिटी के अगेंस्ट में नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा और फर्दर एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि उन नेगेटिव कमेंट्स के पीछे असल में हकीकत क्या है। इट्स नॉट नेगेटिव, व्हाट वाज द होल स्टोरी वो आपको पता चलेगी। आबिद साहब जो वो इस वक्त ऐसे सेट के बहुत लंबा टाइम हो गया उस पूरे पेंडोरा बॉक्स को ओपन करने में, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, आप इस स्टोरी पे केस स्टडी लिखो, this is also an opportunity, it's a big thing, mera I'll do that. Acha, any questions from the audience? Yaad rakhiyega
either you ask or I'll ask. Assalamu alaikum, ma'am and sirs. My question is that, as we are part of this educational world, we are going to universities and college, and here we are taught to get high GPA and all those things that societies join karo, ye karo, wo karo, apne aap ko publicize karo. So, aap logon ko matlab jab aap log ne professional world mein kadam rakha, to in sab cheezon ka wo hua ke kisi ne aapse ye pucha ki tumhari final year mein GPA kitni thi ya project kaisa tha. या फिर उन्होंने सिर्फ आपको अपनी आपकी स्किल्स के ऊपर जज किया? उन्होंने जॉब के लिए तो गए ही ना, उन्होंने तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना. किसी को मौका ही नहीं दिया बोलने का. ओके जी, अच्छा आपने इसमें ना दो चीजें बोली हैं, एक तो आपने जीपीए और पढ़ाई की बात की है और दूसरी आपने बोली है कि सोसाइटीज ज्वाइन करने के बारे में. सोसाइटीज़ तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए, अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए. और मेरी क्वालिफिकेशन किसी को मालूम है? जैसे इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो इफ यू वांट, आई कैन, बट आई हैव ओनली वेंट बीन टू स्कूल टिल मैट्रिक, सो आई हैव नेवर वेंट, आई हैवंट बीन टू स्कूल आफ्टर मैट्रिक. सो मोस्ट पीपल आर लाइक, when I go to universities and you know chancellor calls me and I tell them, sir, I don't know if I'm qualified to speak here because I have never been to school. So normally they're like, you know, they stand up and thank me because they're saying ki chalo tumne to matric karke agar acha kaam kar sakte ho, that's a good thing. But yes, you should definitely network, because your net worth, your what you're worth, agar aapke 100 aise dost hain jo crorepati hain, so your network is your net worth. तो अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे. एंड इट नॉट फाइनेंशियली, बट अगेन योर नेटवर्क कैन बी लिटरली नेटवर्क ऑल्सो. ठीक है, अगर आप 100 एम्बेसडर्स को जानते हैं दुनिया के किसी मुल्क के, तो आप ऑटोमेटिकली उस मुल्क का वीजे का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप किसी एजुकेशन, यहाँ पे कोई यूथ असेंबली का मेंबर है? डस एनीबडी नो व्हाट्स अ यूथ असेंबली? So you have a youth assembly, you can become members of parliaments of youth assemblies, and then you can actually follow that parliamentarian. So for example, if you were the minister of education and you make friends with every single education minister on LinkedIn, you will be very, very powerful person, because then you become actually qualified to become the education minister of that country, because now you know all the education ministers, jo kuch wo soch rahe hain, kar rahe hain, progress dikha rahe hain, aap unse constantly seekh rahe hain. अगर यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो MIT के स्टूडेंट्स को, स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट को अपना दोस्त बनाएं जाके. ना कि ये कि सिर्फ कि जो यहाँ पे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप जो वहाँ पे जो अमेरिका में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई हमारी इल्म में और उनके इल्म में क्या फ़र्क है. सो अगेन, द अपॉर्चुनिटीज टुडे आर फार बेटर देन 10 years ago, 5 years ago, एंड 5 years, क्योंकि वी हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड नाउ. Which was not possible before. So today you should leverage it. So the biggest liberator is Facebook, LinkedIn and Twitter. So you should use it. Revolution agar inke upar aa sakte hain, to you can actually bring an internal revolution. Is mulk mein bhi social revolution, aap financial social revolution lekar aa sakte hain. If you, with your permission, I'd like to play the video for $100 business. We're starting 1 million new businesses in Pakistan. How many want to start a business in this country? Any of you? Kitne kitne business shuru karne hai? 1, 2, 10? Excuse me? Okay, so I want to start 1 million new businesses in the next 3 years. How crazy is that, right? So I'm going to play a video on that, but before I do that, can you take out your mobile phones? I want you to send an SMS, all of you. On 40404, book is kiska number hai? There you go. Good job. 40404, and follow me on it. My nick on it is Rehan Allawala. F space Rehan Allawala. Likh ke SMS kar dein. Agar aapke paas Twitter ka account nahi hai, to bhi kar dein. Acha, kisi ke paas phone nahi hai? Aisa hai koi jise mein phone na ho? लेकिन कुछ हाथ चलते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे. सर, रेहान की स्पेलिंग आर
आर ई